नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, अब से अगर आप फोर व्हीलर की पीछे वाली सीट पर भी बैठे हैं तो भी आपको सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी आप फ्रंट सीट पर बैठे हों या फिर पीछे, सभी को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी है। बड़ी बात यह है कि ड्राइवर की पिछली सीट पर बैठे यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट ना पहनने पर चालान भी किया जाएगा। पीछे सीट पर भी बेल्ट लगाने के लिए क्लिप की व्यवस्था होगी। ये भी कहा जा रहा है कि पीछे की सीट पर बैठे यात्री अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो अलार्म बजता रहेगा। इसको लेकर अगले 3 दिनों में इससे संबंधित आदेश जारी हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हो गया था। मुंबई के पास उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई थी और ये हादसा हुआ था। पुलिस को शुरुआती जांच में हादसे की वजह ओवर स्पीडिंग और रॉन्ग साइड से ओवरटेक लग रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पीछे बैठे साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। अब उन्हीं सब बातों को देखते हुए मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स तो पहले भी सीट बेल्ट लगाता था, लेकिन अब पीछे बैठे शख्स को भी उस नियम का पालन करना होगा। ऐसे में ज्यादा सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है, जिससे ऐसी सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। तो अगर आप भी फोर व्हीलर में सफर करते हैं और पीछे की सीट पर बैठते हैं तो अब से आपको भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंचे और वो सुरक्षित रहें और चालान से बचें।